तो अब इसके मैं क्या डायरेक्ट न्यूमेरिकल ले लूँ कि तुम्हें पहले आइनिक के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ले लूँ मैं इस टॉपिक के, कि पहले तुम्हें एक बार हिंट देना कोई ही थ्योरी का। सर एक बार थ्योरी बता दो, हिंट दे दे। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ थ्योरी का, क्योंकि मेन तो तुम्हें पता है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है। मैंने तुम्हें कहा ना, अगर चैप्टर तुम्हें ढंग से कवर करना है तो तुम लोग अगर पढ़ के रखोगे तो ज्यादा ढंग से होगा, नहीं तो ना मैं थ्योरी करवाता रह जाऊंगा फिर, तो थ्योरी में टाइम ज्यादा लग जाएगा। सही है, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो तुम्हें पता होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पानी के अंदर डालने पर पूरा आयनाइज हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो पानी में डालने पर बहुत कम आयनाइज होगा, कभी 2%, कभी 4%, कभी 5%, इस तरह से। सही है, तो तभी हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है अप्लाई करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है अप्लाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब पता है ना कौन से होते हैं? जैसे मैंने दिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक बार सुन लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैंने बोला एच एच एक्स, एच एक्स लिया, तो एच एक्स के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बता सकते हो क्या? एच एक्स यानी एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई। बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इनमें से? हाँ, अच्छा ही इसमें स्ट्रॉन्ग सारे हैं एक्सेप्ट एच एफ, ये नहीं है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। ये चीजें पता है ना तुम्हें? एच एफ इज द ओनली वीक एसिड अमंग हैलोजन एसिड्स, रेस्ट ऑल आर स्ट्रॉन्ग, एच सी एल एच बी आर एच आई, देर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट एच एफ। एच एफ के अंदर क्योंकि एच एफ बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एफ का साइज छोटा है, इसलिए ये सबसे वीक एसिड है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये पता है तुम्हें कि मैं एक बार लिख दूं? एक बार लिख चलो एक्स यहाँ पे सी एल बी आर आई है स्ट्रॉन्ग के अंदर, इसके अलावा एच टू एस ओ फोर ज्यादा यूज होगा, नाइट्रिक एसिड ज्यादा यूज होगा, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस अगर है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस में? स्ट्रॉन्ग बेस में जितने भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH, KOH, RBOH, CSOH, ये सब सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा BeOH2 एम्फोटेरिक है, BeOH2 एम्फोटेरिक है, MgOH2 ठीक है, MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सब बेसिस स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही वीक एसिड, वीक एसिड कौन से हैं? वीक एसिड जैसे HCN, H2S, H2CO3, RCOH, जितने भी ऑर्गेनिक सर एसिड्स हैं, आपने R स्ट्रॉन्ग एसिड में KOH के बाद क्या लिखी CSOH के बाद स्ट्रॉन्ग बेस में कह रहे हो क्या? स्ट्रॉन्ग बेस में KOH के बाद? KOH के बाद है RBOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर। वीक एसिड लिख दिया मैंने, वीक है, फिनॉल वीक एसिड है, फिर H3PO2, H3PO3, ये सब वीक एसिड्स हैं, ये सब क्या है? वीक एसिड्स। और भी हो सकते हैं, जैसे HF अभी मैंने ऊपर बताया वीक एसिड है, HF वीक एसिड है, नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, नाइट्रस एसिड वीक है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, और HF वीक एसिड है। वीक बेस में बहुत सारे हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होगा अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक ही बात है, CuOH2, ZnOH2, FeOH2, ऑल दीज आर वीक बेसिस। क्लियर है कि नहीं है? ZnOH2 एम्फोटेरिक में भी काउंट होता है, ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस यस अब इस पूरे चैप्टर का एक बेसिक जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैंने दिया 0.1 मोलर NH4Cl, तुम्हें बताना है ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक है, या इसकी सॉल्यूशन जो है एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, इसका अप्रोक्सीमेट पीएच क्या होगा? एसिडिक
हाँ ये पता है ना, तो मैं फिर मैं हटा देता हूँ ये चीज, क्योंकि आगे आएगा दोबारा। हाँ सर पता है। चलो इसको फिर हटा दो। तो अब वीक एसिड वीक बेस में बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए थे ना। नेक्स्ट नोट करना, आगे हम नोट कर लिया ना पूरा। चलो अब आगे नोट करना है, ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ। ऑस्ट्रल्स लॉ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही वैलिड है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। वीक एसिड या वीक बेस के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं है ये, ठीक ना। वीक के लिए वैलिड है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने लिया एसिड से एच ए, एच ए कोई वीक एसिड है, ये वाटर के अंदर पार्शियली डिस्यूट होगा H3O प्लस प्लस ए माइनस के अंदर। अब स्टार्टिंग में इसका कंसेंट्रेशन सी है, वाटर का वाटर क्योंकि एक्सेस में होता है इसका कंसेंट्रेशन नहीं काउंट करते हम, ये जीरो जीरो होगा। कुछ टाइम के बाद इसमें से अल्फा मान लो डिस्यूट हो गया, सी का कुछ परसेंट डिस्यूट हो गया, तो सी माइनस क्या आएगा, सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो यहाँ पे जो के है, के जो इसका डिस्यूशन कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तुम्हें रिप्रेजेंट करना आता है, एस थ्री ओ प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए इंटू एच टू आएगा। यहाँ पे जो इसका के सी है इंटू एच टू ओ जो कि कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है वाटर का, ये बन जाएगा के ए, के ए आ गया एस थ्री ओ प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए। ये सब तुमने अभी भी पढ़ा होगा दोबारा जो फिजिकल के चैप्टर्स है। यहाँ आ गया सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी इंटू वन माइनस अल्फा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. K A यहाँ पे है dissociation constant और ionization constant of the acid. Clear? K A क्या है यहाँ पे? Dissociation constant और ionization constant of the acid. C यहाँ पे molarity है, C यहाँ पे concentration है या molarity है। Alpha यहाँ पे degree of dissociation है, alpha क्या है? Degree of dissociation. ये तो ये चीज बता दी मैंने तुम्हें। अगर यहाँ पे जो अल्फा है बहुत कम है, इफ इट इज लेस देन 5%, क्लियर। इफ अल्फा इज लेस देन 5%, क्लियर। इफ अल्फा इज लेस देन 5% इन दैट केस के इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ज्यादा यूज होगा ये, और अल्फा आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में के ए बाय सी। अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में के ए बाय सी, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। और एच आयंस तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे कितना है, सी अल्फा एच आयंस कंसेंट्रेशन जिसे पीएच मिलेगा सी अल्फा है। पीएच किसी भी वर्ड के आगे अगर पी लिखा हुआ है आयनिक के अंदर तो उसको माइनस लॉग लिख देना, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस। तो क्या ये फॉर्मूलेस क्लियर है सब? यस सर। नोट कर लिया ना सबने ये? चलो ये नोट कर लिया यहाँ पे तुमने, ये टर्म यहाँ पे तुम्हें और पता होना चाहिए कि जो पीकेडब्ल्यू है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये पीएच प्लस पीओएच होता है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं काफी यूज करूंगा न्यूमेरिकल के अंदर, इट्स वैल्यू इज 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आ जाएगा केडब्ल्यू इज इक्वल टू एच आयंस इनटू ओएच आयंस, 10^-14 हो जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये सब पता है ना? सर एक बार प्रीवियस शीट दिखा दो। जो मैंने ये लिखा है तुम्हें पता नहीं जो यहाँ पे लिख दिया है? यस सर। बस जल्दी से नोट करते रहना इसको, क्योंकि ये सारी बहुत इजी चीजें हैं। मेन हमें न्यूमेरिकल्स में कवर करना, अच्छी जो से कांसेप्ट और क्लियर होंगे तुम्हारे, तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान सुनना। नोट कर लिया तक? अभी नहीं हुआ। हो गया सर।
चलो नोट करना आगे। अगर बेस वीक है BOH, बी प्लस प्लस OH नेगेटिव, सेम वही चीज आएगी इसमें, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, यहाँ पे के बी आएगा, के बी जो आएगा वो आएगा बी प्लस इंटू, ये मैंने डायरेक्ट वहां पे सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, ये के बी आ जाएगा, इसमें OH आयंस आएगा सी अल्फा, POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH आयंस यानी माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, ये टर्म्स में क्लियर होनी चाहिए आपको, ये वीक बेस के लिए। अब कोई भी एसिड है उसको हम वीक एसिड तब मानेंगे, ये कंडीशन है इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कोई भी एसिड उसे वीक एसिड तब मानेंगे जब उसका पीएच जो है पीके से एक कम हो, तो उसको वीक एसिड लेना। अगर पीएच ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए तब मत लेना। एनी एसिड कैन बी टेकन एज वीकर एसिड, ये वीक एसिड होने की कंडीशन है, वीक एसिड कंडीशन। कोई भी एसिड वीक एसिड तब मानेंगे जब उसका पीएच जो है लेस देन पीके ए माइनस वन होगा, तो उसे वीक एसिड मानेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं से एचसीएन के लिए, सपोज एचसीएन के लिए पीके ए की वैल्यू है 4.7, एचसीएन के लिए पीके ए की वैल्यू है 4.7 और पीएच है 5.5, पीएच है 5.5, तो क्या ये वीक एसिड है? इसमें पीएच तो बड़ा ही आएगा ना, देखो इसमें पुट करके देखो, इसे पीएच कितना है 5.5, पीएच जो है ऊपर पुट करके देख लो ना, इसमें वीक एसिड की कंडीशन ये लिखी है ना ऊपर, पीएच 5.5 है, पीके 4.7 है, तो पीएच लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? पीएच ग्रेटर देन होगा, तो ये वीक एसिड नहीं होगा, सही ना? इसमें तुम के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, समझ आई बात कि नहीं? ये सर बट इसमें हम पीएच की वैल्यू देख के नहीं कह सकते, जैसे पीएच 5.5 है तो 7 के बहुत क्लोज है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये तो हो गया सर। चलो अभी ये तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे, अब नेक्स्ट नोट करना है तुम्हें आगे। नेक्स्ट लिखना, इसके दो तीन बहुत छोटे छोटे मार्कर्स करेंगे फिर करते हैं आगे, जैसे मैंने दिया तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है इसको। जैसे दिया से डेसीमोलर फॉर्मिक एसिड हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इक्वल टू 10^-5, कैलकुलेट इट्स पीएच, निकालो उसका पीएच कितना होगा। सिक्स, किसने बोला आंसर? सर प्रियांशु। और कोई बचा? सर एक बार क्वेश्चन रीड करना, आपने लिखा क्या है? क्वेश्चन देखो क्लियर लिखा हुआ है बिल्कुल, डेसीमोलर फॉर्मिक एसिड हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट 10^-5, कैलकुलेट इट्स पीएच। बोलना किसी को आंसर? हाँ सिक्स बोला प्रियांशु ने, प्रियांशु मैंने सुन लिया तेरा आंसर। देखो सर डेसीमोलर है, हाँ एक मिनट बस, डेसीमोलर है ना, 0.1 मोलर दे रखा है फॉर्मिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का है, के की वैल्यू 10^-5, तो यहाँ से अब तो हमें निकालना है पीएच यानी एच आयन निकालना है, एच आयन तुम सबको पता है कि सी अल्फा होता है, पीछे मैंने बता दिया थ्योरी के अंदर, एच आयन क्या है सी अल्फा,
अब हमें के दे रखा है और सी दे रखा है, तो अल्फा निकाल लेंगे, अंडर रूट में के बाय सी अल्फा आ जाएगा ना, अंडर रूट के बाय सी, तो के कितना है, के टेन रेशो माइनस फाइव, सी कितना है पॉइंट वन, ये कितना आ गया टेन रेशो माइनस टू आ गया, अल्फा 1% आ गया, अल्फा माइनस आ गया 1%, माइनस तो नहीं आएगा ना, पीएच कभी, पीएच कभी माइनस में थोड़ी होगा, एच आइन सी अल्फा है, एच आइन सी अल्फा है 0.1 इंटू टेन रेशो माइनस टू, ये टेन रेशो माइनस थ्री आ गया, एच आइन टेन रेशो माइनस थ्री है तो पीएच थ्री आएगा ना माइनस लॉग टेन रेशो माइनस थ्री, नहीं समझ आया ये, आ गया सर। देखो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अगर तुम्हें इस चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ना तो जो न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ उसको मेरे कराते ही दो दो बार रिपीट जरूर कर लेना, उसको दो दो बार जरूर रिपीट कर लेना, और उसका पीडीएफ सेंड करोगे तो बहुत अच्छी बात है ग्रुप के अंदर ही, 100% है, जितने भी लेक्चर्स होंगे ना तुम्हें बहुत ढंग से समझ आएंगे सारे, लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा उसको दो दो बार रिपीट करके पीडीएफ सेंड कर देना जरूर, ताकि तुमने रिपीट कर लिया है, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लगेंगे टोटल रिपीट करने में, और कोई दिक्कत आती है क्लास में पूछ लेना जरूर। प्रियांशु समझ आ गया कि नहीं न्यूमेरिकल? सर फिर अल्फा को डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं बोलते क्या? नहीं अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता ना, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और देखो ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ इमीडिएटली तुम्हें आंसर देना चाहिए था, ये इतने इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पीएच देखो मैं भी इसको थोड़ा जैसे मैं मन में करना है अगर इस क्वेश्चन को, पहले किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, दोबारा तो नहीं पूछना किसी को? नो सर। देखो मेरे को इतना पता है कि पीएच होता है माइनस लॉग सी अल्फा, सी अल्फा, अल्फा होता है अंडर रूट के बाय सी, तो पीएच हो गया माइनस लॉग के ए इंटू सी अंडर रूट के अंदर, के की वैल्यू कितनी है टेन इंच माइनस फाइव, सी की वैल्यू कितनी है पॉइंट वन, रूट में टेन इंच माइनस सिक्स यानी टेन इंच माइनस थ्री, पीएच थ्री नहीं आ गया डायरेक्ट, ये ओरल क्वेश्चन है जो मन में होने चाहिए, ये कराने वाले क्वेश्चन थोड़ी है, क्या समझ आ गया कैसे किया ये? नहीं क्लियर हो रहा है? हो गया सर। हाँ तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी, ये रिलेशन भी पता है ना तुम्हें, के डब्ल्यू इक्वल टू के इनटू के बी? यस सर। टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो पी के डब्ल्यू आ जाएगा पी के प्लस पी के बी, पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओ एच के इक्वल भी होता है, और पी के ए प्लस पी के बी के इक्वल भी होता है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, डेरिवेशन कहोगे तुम दो दो लाइन में सारी डेरिवेशन हो जाएंगी, वाली अगर तुम्हें आती है तो कोई दिक्कत नहीं। ये पता है दोनों डेरिवेशन ना सबको? यस सर। चलो ये तुम्हें अगर पता है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आगे, सेम ऐसे ही सेंटीमोलर, एक ही क्वेश्चन और ऐसा ही, आंसर सबका सही निकलना चाहिए, सेंटीमोलर एमोनिया सॉल्यूशन हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 10 रेशो माइनस 6, कैलकुलेट इट्स पीएच। देखो अभी ये सबका सही होना चाहिए, कैलकुलेट इट्स पीएच, सेम क्वेश्चन दिया है, सर फोर, और किसने कहा है सर? मोक्ष, मोक्ष ने कहा है फोर आंसर। फोर और किसने निकाल लिया है? तीनों चरण निकाल लिया फोर, सर फोर। चलो सबने निकाल लिया फोर आंसर? यस सर। सबने निकाल लिया फोर आंसर? यस सर।
देखो आंसर, देखो सबने पूरा आंसर कर लिया ना, अब देखो तुम यहाँ पे ना इसलिए चेक कर गए, कभी भी क्वेश्चन आता है पीएच से रिलेटेड सबसे पहले चेक करना है कि एसिड है कि बेस है, क्योंकि ये अमोनिया तो बेस है ना, तो आंसर उनकी ग्रेटर देन 7, अमोनिया बेस है तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 7, तो तुम जो आंसर 4 बोल रहे हो एक्चुअल में वो पीओएच है, तो पीएच निकालना तो पीएच 10 होगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक है, पेपर में बहुत बार गलती होती है ऐसी, समझ गए कि नहीं है, क्योंकि NH3 जो है अगर इसको पानी में डालेंगे तो क्या देगा ये NH4+ OH-, बेस है ना ये, तो इसमें OH-, yes, जो है ये ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक जो हो जाती है, OH-, सी अल्फा होगा, OH-, अल्फा को अंडर रूट KB बाय सी लिखेंगे तो OH-, हो जाएगा अंडर रूट KB इंटू सी, OH-, आ गया अंडर रूट में KB इंटू सी, क्योंकि अल्फा को अंडर रूट KB बाय सी लिखेंगे तो OH-, आ जाएगा अंडर रूट KB इंटू सी, KB की वैल्यू 10⁻⁶ है, सी की वैल्यू 10⁻² है, सेंटीमोलर है ना ये, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो ये आ गया 10⁻⁴ मोलर, OH-, 10⁻⁴ मोलर, यानी POH आ गया 4 और pH आ जाएगा 10, क्या समझ आ गया ये? Yes, sir. अब देखो ये दो क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले थे, ये सबको आना चाहिए था, सही ना, ये बेसिक वाले क्वेश्चन थे, सबको आने चाहिए, अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे नेक्स्ट मैं धीरे धीरे करके ना लेवल इसका प्लस करता जाऊंगा, अभी तुम्हें बहुत इजी क्वेश्चन है जो करने हैं अभी वाले, ये आना भी चाहिए और तुमसे हो जाने चाहिए सबसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज तुम्हें निकालना है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसीजन फॉर 0.2 मोलर HCN, फॉर 0.2 मोलर HCN Ka डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट 2×10⁻¹⁵, या इसमें लिख लेते हैं, चलो अभी यही रहने दो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट 2×10⁻¹⁵ इन 0.1 मोलर NaCl, इन 0.1 मोलर NaCl, क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. चलो अभी ये निकालो, किसने बोला आंसर? दिव्या, दिव्या
चलो एक बार देखेंगे, और किसी ने निकाला आंसर? हाँ एक बार और किसी ने निकाला आंसर? देखो सर, अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसीजन पूछूं डायरेक्ट, डायरेक्ट कितना है विदाउट एनएसीएन, तो तुम कहोगे अल्फा जो है अंडर रूट में के बाय सी आ जाएगा। के कितना है 10^-5, सी कितना है 0.2, तो कितना आ गया अल्फा 10^-2 आ गया कि नहीं? ये yes, अल्फा एक 1% आ गया सही ना। मैंने तो ये नहीं पूछा ना, मैंने कहाँ पूछा है 0.1 मोलर एनएसीएन के अंदर। क्या क्वेश्चन मेरा क्लियर है? अल्फा अभी कितना आ रहा है 10^-2, मैंने किसमें पूछा है 0.1 मोलर एनएसीएन के अंदर, तो कॉमन एन इफेक्ट लगेगा कि नहीं? यस सर। देखो अब इसके अंदर जैसे एचसीएन है, यहां से यह सॉल्यूशन है इसका, एचसीएन पार्शियली डिसोल्व होगा एच प्लस प्लस सीएन नेगेटिव में, ये ऐसे टूटेगा, ये 0.2 मोलर था, मान लिया इसमें से x गया, बनेगा x x, NaCN जो है ये पूरा टूट जाएगा, Na प्लस प्लस CN नेगेटिव, Na प्लस प्लस CN नेगेटिव, ये 0.1 मोलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCN, सॉल्ट है ये जीरो हो जाएगा, ये 0.1, ये 0.1। पहले एक बार बताओ ये यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और x यहाँ पे सी अल्फा है, ये ध्यान रखना, x यहाँ पे 0.2 अल्फा है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब देखो, अब डिसीजन कांस्टेंट इसका दे रखा है, एचसीएन का डिसीजन कांस्टेंट एचसीएन का दे रखा है, तो वो होगा एच प्लस इंटू सी एन नेगेटिव डिवाइड बाय एचसीएन, एच प्लस इंटू सी एन नेगेटिव डिवाइड बाय एचसीएन, ये होगा ना। अब H प्लस की वैल्यू कितनी है? देखो H प्लस की वैल्यू, H प्लस दोनों इक्वेशन में चेक करना, H प्लस इन दोनों इक्वेशन में चेक करना, ये यहां पे पूरा H प्लस कितना है X, CN माइनस कितना है दोनों में, X यहां पे है 0.1, यहां पे है 0.1 प्लस X, प्लस X ये आएगा, और HCN कितना है 0.2 माइनस X। क्या ये क्लियर है? यस सर। अब देखो सर, तुम्हें ये पता है एक्स जो है 0.2 अल्फा है, अल्फा पहले कितना था 0.10^-2, अल्फा 10^-2 था ना पहले, अब ये अल्फा और कम होगा क्योंकि कॉमन एंड इफेक्ट आ गया है। कॉमन एंड इफेक्ट सबको पता है ना क्या होता है, किसी आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो अब वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। देखो यहाँ पे HCN जो है, HCN जो है यहाँ पे ये टूट रहा था H प्लस प्लस CN नेगेटिव में, मैंने इसमें NaCN डाल दिया Na प्लस प्लस CN नेगेटिव में, तो CN माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये बढ़ गया तो इसलिए ये कम होना चाहिए, कम इस रिएक्शन, ये रिएक्शन इसलिए बैकवर्ड चली जाएगी, नीचे वाली रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए अब जो डिग्री ऑफ डिसीजन है वो 10^-2 से भी कम आएगा। यहाँ पे एक्स जो है नेग्लिजिबल होगा, मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर रहा हूँ, एक्स ऊपर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, क्या ये समझ आ गया? एक्स दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे। सर आपने कैंसिल किस हिसाब से किया है? देखो एक्स, एक्स देखो एक्स सी अल्फा होगा कि नहीं, ये वाला एक्स जो है ये सी अल्फा होगा कि नहीं, 0.2 अल्फा होगा कि नहीं? यस सर। अल्फा पहले कितना था 10^-2 और अब वो उससे भी कम होना है, तो 0.2 इंटू अल्फा उससे भी कम होना है, तो 0.1 या 0.2 के कंपैरिजन में एक्स नेगलिजिबल होगा कि नहीं? यस सर। इसलिए नेगलिजिबल होगा ये, ये तुम 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना इस टाइप के, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कब नेगलिजिबल करना है। तो एक्स ये नेगलिजिबल हो गया, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, और के की वैल्यू मेरे को पता है ये है 2×10^5, ये तो फिक्स वैल्यू है, तो एक्स इंटू 1/2, एक्स इंटू 1/2, तो एक्स आ गया यहाँ से 4×10^-5, x आ गया 4×10^-5, x ये आ गया, अब x मेरे को पता है 0.2 अल्फा है, अल्फा डैश है, अल्फा डैश होगा ना, तो ये x क्या है, ये वाला x 0.2 अल्फा डैश, तो x ये है 4×10^-5 था यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अब 2×10^-4, एक बार चेक करना,
अल्फा डैश, यस ये अल्फा डैश कितना आ गया, 2 × 10⁻⁴। तो अब देखो पहले अल्फा कितना था, पहले अल्फा कितना था, 10⁻²। अब अल्फा और कम हो गया कि नहीं, यस सर। क्यों कम हुआ ये, ड्यू टू कॉमन नाइन इफेक्ट। अभी कॉमन इफेक्ट समझ आ गया न्यूमेरिकल से कि नहीं है। मैं ये चाह रहा था तुम थ्योरी पढ़ लोगे ना, बस थ्योरी तुमने पढ़ी हो सिर्फ, तुम्हें बस इतना बताओ कि व्हेनेवर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCN इज एडेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCN देन आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज HCN विल बी सप्रेस्ड, आयोनाइजेशन या इसकी सॉल्युबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे। ये कॉमन एन इफेक्ट है, एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे, HCN के अंदर NaCN डाला, CN माइनस कॉमन है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है या उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं है, यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन, अब इसी में अगर पीएच निकालना होता तो पीएच क्या होता, इसी में पीएच निकालना होता तो क्या होता, वो देखो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ, हर एक चीज सोचोगे ना तो निकल जाएंगे आंसर, माइनस लॉग ऑफ एचाइंस, एचाइंस कितने हैं, ये रे एक्स, एचाइंस एक्स है कि नहीं, यस सर। तो माइनस लॉग एचाइंस, एचाइंस कितने हैं, ये है एक्स की वैल्यू, ये रही 4 × 10⁵ मोलर, तो यहां से आ गया 5 − log 4। पीएच जो है वो आएगा 5 − log 4, लॉग 4 होता है कितना, 0.6, तो लॉग 4 0.6 है तो 4.4 आंसर आ गया, पीएच कितना होगा 4.4। क्या समझ आए, यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ इसी टाइप का सेम, किसी को दोबारा पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो, लॉग टेबल सॉल्व, लॉग टेबल के अलावा अगर हम खुद से सॉल्व करना चाहे लॉग